धनवा। वैसे कथा में बीच में बोलने का कोई नियम नहीं है, लेकिन जब शास्त्री जी की अनुमति मिल गई है तो एक दो शब्द कहने के लिए तो मैं अवश्य कहूंगा। मैं पहले जो हमारे साथी विभाग से रिटायर हैं श्री सुरेश चंद्र यादव जी पुलिस से, जो इतने बड़े आयोजन 7 दिन का इन्होंने कराया है, तहे दिल से उनको जो मेरे सामने ही बैठे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और इसके साथ ही जो कथा प्रसारण हमारे क्षेत्र की राजकोट रामनगर नंगलावरी और आसपास के जो भी भक्तगण हैं इन्हें रस प्रदान कर रहे हैं, तो इनकी पूरी मंडली को, क्योंकि मैंने सुनता रहता हूं, आवाज बहुत तेज थी, ऊपर साउंड थे, तो मैंने रिक्वेस्ट करके दरवाजे से मैंने कि ऊपर के साउंड उतार दो, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा यहाँ अपने जो वायरलेस हैं या फोन हैं थोड़ा सुनने में दिक्कत होती है, अधिकारी आते रहते हैं। तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया, उन्होंने उतरवाया, इसके लिए भी धन्यवाद। और जो इन्होंने 7 दिन अपने प्रवचनों से अपने इस कथा का स्वाद आप लोगों को जनता को दिया है, बस मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने क्या हासिल किया है, क्या मिला है 7 दिन के अंदर? आपने अगर एक बात भी ग्रहण अंदर कर ली हो तो वही आपका 7 दिन का भागवत सुनने का आनंद पूरे जीवन आपको जो है सुख में बना सकता है। एक ही चीज है, गाना बज रहा है, देखिए मैं भागवत, मैं छोटा था, आधार जी का नरसी का भाग चलता था, उसी से उनका मुझे लग रहा है उन्होंने कई कथाएं की हैं, प्रसारण भी हुआ है, हम माइकों में गांव में उस पे सुनते थे। और मैं आधार जी के गांव में कुर्रा में ऐसो कुर्रा रहा हूं, तो ये बाकी ब्रजेश जी या अन्य जो भी हैं उनके बाद में हुए हैं, तो लेकिन आधार जी का मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनको जो है सरस्वती उनके जिब्या पे विराजमान थी, उस कथा का सुनने का और ग्रहण करने का आनंद ही कुछ है, नरसी के भात से ज्यादा मुझे तो अच्छा कुछ लगता ही नहीं। मैं सही बता रहा हूं आपको, जिन्होंने जिस तरीका से उन्होंने इसका वर्णन किया, आपको क्या मिला, आपने क्या ग्रहण किया, आप क्या प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं, कुछ सोचिए तो कथा का आनंद है, नहीं तो ऐसे गाना बनाना और मटकना ही रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। एक ही चीज है, देखिए आपने अगर कोई मुझ में अच्छाई है तो वो ग्रहण करके जाएगी, मैं ऐसा काम करूंगा, अगर कोई अवगुण है उसे प्रतिज्ञा करके जाइए कि मैं इस चीज का त्याग करूंगा, इस भागवत से मुझे ये सीख मिली है। आपने हर चीज सुनी, रामायण का सुना, शिव जी का सुना, कृष्ण जी का सुना, हर आदमी जानता है कि रामायण में राम विवाह है, सीता जी का विवाह है, कंस वध हुआ, हर आदमी जानता है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको जानना आवश्यक है। इसलिए जैसे दो चीज मैं कहूंगा इसमें, अगर अनुमति हो शास्त्री जी तो मैं कहूं दो एक आसन, तो एक ही चीज है कि जैसे आपने कहा कि शराब कभी भी घर में मत पिलाना, कोई भी हो, किसी चाहे अपना रिश्तेदार हो, दोस्त हो, शराब पिलाने से आपको क्या हो सकता है ये मैं बताऊंगा। मीट, किसी प्रकार का मीट हो, घर में मीट नहीं बनानी चाहिए, कभी घर का जो है बुद्धि नहीं आएगी, ये निश्चित मान लीजिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं, शराब पिलाने से कभी भी घर का नाश हो सकता है, और मीट से उस घर में पैसा कितना भी हो जाए,
धनवान कितना भी हो जाए लेकिन उसमें वो बुद्धि का विकास नहीं होगा, मोटी बुद्धि का रहेगा और पैसे के लिए हवस रहेगी और वो कभी भी जो है आगे जो है अच्छी भलाई के संबंध में सोच ही नहीं सकता है। इसका एक ही उपाय है। आप कहेंगे क्यों, इसका मैं बता रहा हूं, शराब क्यों नहीं पिलानी चाहिए। देखिए मेरा दोस्त है, मैं आता हूँ घर पे जाकर के, मैंने कहा आइए तो टाइम लगेगा 2 मिनट तुम डिस्टर्ब तो उसने कहा कि लाइए 2 पैक में ले आया, 1 क्वार्टर ले आया, दारू की बोतल ले आया, उसने कहा आइए। और घर वाले नहीं समझते हैं, वो समझते हैं मेरा दोस्त है तो मेरा खास आदमी होगा, मैं घर का मेंबर हूँ, मुखिया हूँ और पूरा घर मेरे भाई बहन माँ बाप बच्चे सब मेरी बात को मानते हैं। मैं उससे कहता हूँ बच्चे से अपने से कि जा ले 10 रुपये और जा करके नमकीन ले के आ, बच्चा भागा भागा नमकीन लेने जाता है। दूसरा कहता हूँ अपनी बेटी से कि जा जाके अपनी मम्मी से कहते अच्छी सब्जी बननी चाहिए, मम्मी भी खुश होती है कि बड़ा मेहमान आया है अच्छी सब्जी बननी चाहिए, वो भी सब्जी बहुत अच्छे तरीका से बनाती है। और कहता किसी से, एक बच्चे से कहता, भाई से कहता पानी ले के आ, दौड़ा दौड़ा जाता है पानी ले आता है, किसी से गिलास मंगाता है और महफिल जो है चौक में या कमरे में जमा देता है। जब दारू का जब चलता है पैग चलता है, मैं पिला रहा हूँ अपने दोस्त को, घर के समझ रहे हैं कि ये दोस्त बहुत बड़ा, मुझसे तो बड़ा ही हुआ, जब मैं जिसकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं घर में मेन मुखिया हूँ तो वो समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा जो घर का मुखिया है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा चाचा है, मेरा बाप है, इससे इसकी कीमत बहुत ज्यादा है जिसकी मैं खातिर कर रहा हूँ। और जब दारू का 1 पैक लगा, 2 लगा, 3रा लगा, तीसरे लगते लगते जब 4था लगता है तो दोस्त समझता है कि यार इस घर में ये पंखा बहुत अच्छा है, कहता नहीं यार इस घर में भैंस बहुत अच्छी है, इसका मकान बहुत अच्छा है, इसकी बीवी बहुत अच्छी है, हर लड़की बहुत, वो सोचता है। और वो कभी भी या तो स्वतः या किसी के जरिए आपका कहीं भी अहित कर सकता है, इसलिए घर में शराब मत पिलाना। मैं आपको कह रहा हूं, कह दो कि घर में नहीं पिलाएंगे तो सही है। दूसरी चीज मीट की बात मैंने कहा कि मीट घर में क्यों नहीं खानी चाहिए, आपको बनानी चाहिए, किसी को खाना है शराब पीना भी आप ना भाई आराम से आ, लेकिन घर में मैं दारू नहीं पाऊंगा यह प्रतिज्ञा करके जाइए तो सही है। मीट, मीट के लिए मैं नहीं कहता हूँ, कुछ लोग बनाते होंगे, कुछ मैं इसके लिए किसी बात नहीं, लेकिन मीट का मैं बता देता हूँ, मैं किसी की मीट बना रहा हूँ इस घर में बन जाए तो रस्ते में जाने वाला बता देगा क्या बन रहा है इस घर में, रस्ते में जाने वाला निकलने वाला बता देगा क्या बन रहा है, पड़ोसी बता देगा कि इस घर में क्या बना है, उसकी सुगंध जो है आज आप करिए और कल सुबह तक शाम तक जाएगी नहीं। अब जब उसकी सुगंध से ही पड़ोसी बता रहा है और आप उसका सेवन घर में कर रहे हैं और हर समय रह रहे हैं तो क्या आपकी बुद्धि से वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। और जब नहीं निकलेगा दूसरी के खाने से तो आप समझिए कि अच्छे विचार आपके जीवन में आ ही नहीं सकते, चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए। इसलिए घर में कोशिश करिए कि मीट न बने, मीट वाले को जो है कहीं बाहर बनाए खाएं तो आपकी घर की उन्नति है। आप जो धूप बत्ती अगरबत्ती या घिया बत्ती कितने जलाते होंगे, जलाना चाहिए, मैं तो अभी जलाता हूँ, मैं तो यहाँ जलाता हूँ, बच्चे भी जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं कि जिसके उसमें किसी माँ बाप अगर गुजर गए हैं, बुजुर्ग गुजर गए हैं, किसी देवी देवता के ऊपर, किसी भी पंथ का किसी भी मानना है उसके ऊपर जला दीजिए, आपको छत्र छाया के रूम में आपके साथ खड़ा है, वो हर समय आपके उस एक्टिविटी में खड़ा है, कष्ट में खड़ा है, आपको अच्छा गुण आएंगे, अच्छी सुगंध आएगी, अच्छे विचार आएंगे और आपके परिवार का अच्छा विकास होगा। अगर बुद्धि का विकास होगा तो घर का अपने आप ही विकास होगा, जैसी बुद्धि जैसा आपका विचार ऐसे ही विकास। धन से कभी विकास नहीं होता है, पैसे से कभी विकास नहीं होता है, ज्ञान और बुद्धि से आपके खान पीन से विकास होता है। ये चीज, दो चीज मेरा कहना था। तीसरी चीज एक इसमें एक जोड़ देता हूँ कि ये सत्संग, एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, चलिए अगर ठीक लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। देखिए दो चीज मैं कह देता हूँ, एक चीज में कहावत है कि भागवत का क्या महत्व है, भागवत क्यों कराते हैं, हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं, इसका मैं एक ही अभिप्राय बता देता हूँ।
देखिए एक कहानी के रूप में, अगर ये कहानी किसी हमारे बुजुर्ग ने या आप लोगों ने किसी ने ग्रहण कर ली तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन में उतारने लायक है। मुझे कहने में यहाँ